हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था और फिर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखा था। आज हम कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को। सबसे पहले मैं कवर करूँगा बेटा स्पीड को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड को मैं तीन एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तीन क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा नोटिस कीजिएगा। लेट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इनके बीच की दूरी लेट 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट एक्स है और एक ऑब्जेक्ट क्या है? वाई है, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है। ये दोनों सेम टाइम पर ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्स को बी पर पहुंचने में समय लगा 1 घंटा और वाई को लगा 2 घंटे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है तो आप क्या आंसर देंगे? देखो, दोनों के लिए जो दूरी थी वो बराबर थी। डिस्टेंस दोनों के लिए क्या थी? बराबर थी। डिस्टेंस दोनों के लिए क्या थी? बराबर, सेम थी। परंतु टाइम ऑफ एक्स इज लेस देन टाइम ऑफ वाई। एक्स को कम समय लगा वाई की अपेक्षा में। दूरी सेम, अगर इसको कम समय लग रहा है तो मतलब ये तेज चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो फास्टर है देन वाई। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई? सेम दूरी को कवर करने में अगर ये कम समय ले रहा है तो ये फास्ट है। तो आप बोल सकते हैं जनरल अपनी कॉमन सेंस से कि स्पीड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाई। क्लियर है बात आपको? चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये एक्स चला और ये वाई चला। इस बार मैंने दूरी को अलग अलग कर दिया है। लेट ये 2 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। ये कितनी है? 4 किलोमीटर, ठीक है। एक्स को यहाँ से यहाँ जाने पर, लेट ए से बी जाने पर समय लगा 1 घंटा, ठीक है। और इसको सी से डी जाने पर भी कितना समय लगा? 1 घंटा लगा, ठीक है। तो इस बार देखो दोनों को समय बराबर लग रहा है, समय बराबर दे रखा है। टी एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई। क्लियर है बात आपको? बट अगर हम ध्यान से देखें, डिस्टेंस कवर बाय दी ए इज लेस देन द डिस्टेंस कवर बाय दी वाई, सॉरी डिस्टेंस कवर बाय दी एक्स इज लेस देन द डिस्टेंस कवर बाय दी वाई। भाई दोनों ने सेम समय में अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर किया है। एक्स सिर्फ 2 किलोमीटर चल पाया है और वाई कितना चल पाया है? 4 किलोमीटर। सेम टाइम में ये ज़्यादा चला है तो आप बोल सकते हैं कि वाई फास्टर है एज कम्पेयर टू एक्स। वाई फास्टर देन एक्स। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो जनरल सेंस से मैं बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एक्स होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बात? देखो इस केस में मैंने डिस्टेंस को सेम रखा और टाइम को अलग अलग कर दिया, तो कॉमन सेंस लगाकर आप बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों का टाइम सेम रखा लेकिन डिस्टेंस को अलग अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन कल को केस ऐसा दिया जाए, मान लो ये डिस्टेंस ए से बी है और ये चला है एक्स, ये 10 किलोमीटर है और इसने 2 घंटे में कवर कर लिए, 2 घंटे में। क्लियर है बात आपको? और ये है सी डी, ये है 20 किलोमीटर और इसके लिए समय लगा आपको 5 घंटे। क्लियर है? अब देखो ना तो यहाँ पर टाइम मैंने सेम दिया और ना ही डिस्टेंस सेम दी। और अगर अब आपसे मैं पूछूँ कि कौन फास्ट है तो आप कैसे आंसर करोगे? यहाँ तो आपने कॉमन सेंस लगा ली, सर डिस्टेंस अलग अलग है और इसका टाइम सेम कम है, है ना। मतलब दोनों का टाइम सेम और डिस्टेंस अलग अलग है, तो जो ज़्यादा चला है तो वही क्या होगा? फास्टर होगा। और यहाँ भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, सर डिस्टेंस सेम है और टाइम अगर डिफरेंट है तो जिसका टाइम कम होगा वो फास्टर होगा। लेकिन यहाँ क्या कॉमन सेंस लगाएं? तो यहाँ पर आप जनरल मैथमेटिक्स लगाओ। 2 घंटे में डिस्टेंस आपको पता है, तो क्या 1 घंटे में आप बता सकते हो 2 घंटे में कवर कर रहा है कितनी? 10। तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 10/2, यानी कि वो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। इस 5 किलोमीटर पर आर का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितना चला? 5 किलोमीटर चला। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और इसको भी देखो कि 5 घंटे में कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। तो 1 में कितना चलेगा? 20/5 और ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आर। मतलब 1 घंटे में कितना चला? 4 किलोमीटर। अब आप बता सकते हो कि ये 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर कवर कर रहा है और ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है तो मतलब ये ज़्यादा तेज चल रहा है। ये तो वही कंडीशन होगी ना ये वाली, कि टाइम सेम हो गया और डिस्टेंस जिसकी अधिक होगी वही ज़्यादा फास्टर होगा। आप बोल सकते हो कि एक्स इज फास्टर देन वाई
देन वाई, देन द स्पीड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाई। समझ आई है नहीं यही बात आपको? तो तीन केस से आप समझ सकते हो। अगर आप इस तीसरे केस को ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम लिख दिया है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये लिख दिया है मैंने, है ना। और बेटा इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये अल्टीमेटली स्पीड और कुछ नहीं होती है, ये आपको इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि एक घंटे में आप कितनी दूरी तक कवर कर रहे हो, तय कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं बात आपको? देखो जैसे ही मैंने टोटल डिस्टेंस रखी 10 और टोटल टाइम रखा 2, तो ये कट कर आ गया 5, ठीक है कि नहीं बात? मतलब एक घंटे में कितना चला वही स्पीड है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? एक घंटे में कितनी दूरी तय की वो आप किसके जरिए बता सकते हो, स्पीड के जरिए बता सकते हो। अगर इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट क्या हो गई बेटा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। देख लो आप, किलोमीटर पर आर है, एसआई किलोमीटर का क्या होगा, मीटर होगा, और आर का क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड के साथ दिक्कत क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, अभी समझाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मैं कहूँ कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आर है, क्या बोलूँ मैं, 5 किलोमीटर पर आर। देखो स्केलर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन नहीं होती, तो आपको मेरे बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आर हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकती है। मैंने आइडिया नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आर है, तो आपको कन्फ्यूजन होगी सर किस डायरेक्शन में है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हमें बता सके? बिल्कुल है, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड भी बताए प्लस डायरेक्शन भी बताए। स्पीड स्पीड में सिर्फ आपको ये नंबर पता चलेगा कि कितने से भाग रहे हो आप, लेकिन डायरेक्शन पता चलने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर मैं बोलूँ कि मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ और वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो मेरे को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि मेरी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है। समझ में बात आपको? वेलोसिटी अगर आप बोलोगे तो मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, और आपको क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन भी, ताकि सामने वाले को एग्जैक्ट आइडिया जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कहाँ मूव कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, सोचो जरा। क्या तो स्पीड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो आप 2 से चल रहे थे और एकदम आप 3 से चलने लग जाओ, तो आपका नंबर चेंज हो गया और स्पीड चेंज होगी, तो वेलोसिटी अपने आप क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। आप 2 से चल रहे थे और एकदम आपने टर्न ले लिया, तो देखो ये आपने डायरेक्शन बदल दी। डायरेक्शन बदलोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे नंबर चेंज हो या ना हो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? चाहे तो आपका ये मैग्नीट्यूड बदले, चाहे डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड जस्ट नंबर, चाहे तो मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, दोनों केस में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। या फिर आप दोनों को चेंज कर दो, मतलब ये यहाँ 2 से थे और यहाँ पर आप 3 से चलने लग गए, मैग्नीट्यूड भी बदल गया और डायरेक्शन बदल गया, ये दोनों बदलेंगे तो भी वेलोसिटी बदलेगी। ये तीन केस है कैसे वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है या तो मैग्नीट्यूड बदलिए, या डायरेक्शन बदलिए, या दोनों को ही बदल दीजिए। क्लियर है कि नहीं बात आपको? वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और वेलोसिटी को जिस तरीके से हमने स्पीड को डिफाइन किया है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैसे ही वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज का मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बात आपको? चलिए, कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। पहले लेकिन हम देखेंगे एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड होती क्या है बेटा, उसको समझिए पहले आप जनरल सेंस से।
मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, और ये लेट 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो जैसे ही आप घर से निकले तो आपने 1 किलोमीटर लेट 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर आर की स्पीड से कवर किया 1 किलोमीटर को। ये 1 किलोमीटर है, ये 0 है और ये 1 है। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 10 किलोमीटर हो गया ना। 1 किलोमीटर को कितने से कवर किया आपने, इतनी स्पीड से। फिर भीड़ आ गई तो आपकी स्पीड कुछ गिर गई होगी, लेट आपने अब 2 किलोमीटर की स्पीड से चला, अब खाली रास्ता मिला तो 10 किलोमीटर की स्पीड से आप चले। क्लियर है बात आपको? मतलब ये रियलिटी यही है, अगर हमें रोड खाली मिलता तो हम तेज़ चलते हैं, अगर रोड पर भीड़ लगती है तो हम धीरे चलते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर से 2 से निकले और स्कूल पर 2 तक ही पहुंच गए, ऐसा कभी भी नहीं होता, रियलिटी नहीं है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप टुकड़ों में कुछ ऐसे आए यहाँ पर, इसमें फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बराबर, फिर यहाँ पर बराबर रही और फिर कट गई। इस तरीके से मतलब यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 हो गई। क्लियर है कि नहीं बात? मैं लिख देता हूँ आपको, अगर दिक्कत हो तो 6, 3, 7, फिर से 3, ठीक है, फिर से 6, 6 और लेट 2। क्लियर है? इस तरीके से आप करते करते अपने स्कूल तक पहुँच गए और फिर आपने टाइम देखा घड़ी में, घड़ी में टाइम देखा, आपको टोटल 1 घंटा लगा था जब घर से चले थे और स्कूल पहुँचने में कितना समय लगा था, 1 घंटा लगा था। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। आपने समय देखा भाई, कितना लगा मेरे को? 1 घंटा लगा। वेरी गुड, ठीक है। अब आप बोलोगे, देखो आपसे पूछे कि आपकी यार क्या स्पीड रही थी, किस स्पीड से आप आए हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे देखो जी सर मैंने बीच बीच में तो मेरी क्या स्पीड रही है वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो अपने आप मैंने पैडल तेज़ किए तो कभी ज़्यादा भी स्पीड चली और कहीं पर भीड़ लगी तो मैंने धीरे चलाया तो कम हुई होगी, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ मैंने टोटल डिस्टेंस कवर की है 10 किलोमीटर और समय कितना लिया है मैंने, 1 घंटा लिया है। तो मेरी जो एवरेज या मोटे तौर पे जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर को ही तो कवर किया है। तो ये मोटे तौर पर जो आपने स्पीड बताई है ये और कुछ नहीं है, एवरेज स्पीड है। ये क्या है आपकी? एवरेज स्पीड। भाई इस एवरेज से आप आए हो, एवरेज स्पीड एक जस्ट नंबर है, ये रियलिटी नहीं है। हो सकता है कि रियलिटी में आप इससे ऊपर भी चले हो और इससे नीचे भी चले हो सकता है, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो कितनी यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आ रहा है, एवरेज स्पीड है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये कुछ ऐसा है, मान लो आपके पिताजी ने एक दिन कमाए 200 रुपये, एक दिन कमाए 300 रुपये और एक दिन कमाए 100 रुपये। क्लियर है कि नहीं बात आपको? लेकिन हर आदमी कोई इस तरीके से हिसाब नहीं रखता कि मैंने पर डे कितने कमाए। वो आखिर में देखा कि टोटल 3 दिन में कमाए कितने, 600 रुपये। कितने दिन में कमाए? टोटल रुपये कमाए 600, कितने दिन में? 3 दिन में। तो एवरेज पर 200 रुपये पर डे कमा रहा हूँ, ऐसे बोल देते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। 200 डेली नहीं कमा रहे हो आप, 200 से ऊपर भी कमा रहे हो और 200 से नीचे भी कमा रहे हो, लेकिन एवरेज आपका कितना निकल कर आ रहा है? 200 रुपये। अरे जैसे आपका परसेंटेज सिस्टम होता है, आप क्या करते हो, टोटल नंबर को जोड़ते हो, 6 सब्जेक्ट के नंबर आए, टोटल को जोड़ो और 600 से डिवाइड करो तो आपका परसेंटेज आ जाता है। तो इसका मतलब है एवरेजली, मान लो आपका परसेंटेज आया 60, तो मतलब एवरेज हर सब्जेक्ट में आपने कितने नंबर लिए हैं, 60 नंबर लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में 60 आए, हो सकता है कि आपके 50 भी आए हों और हो सकता है कि आपके 70 भी आए हों, लेकिन इनका एवरेज करोगे तो कितना है आपका, 60 आए। ये वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं, ठीक है, आपको जितनी भी डिस्टेंस दे रखी हो उसको लिख लीजिए और जितना आपको समय लगा उसे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरीके से मिलता है कि मान लो मैं एक्स से गया और वाई पर गया, एक्स से चला और वाई पर गया, ठीक है, और ये दो किलोमीटर मैंने 1 घंटे में कवर किया और ये 3 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में कवर किया, 2 घंटे में कवर किया, तो बताइए मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो 5 किलोमीटर टोटल चले हो भाई साहब और 3 किलोमीटर टोटल चले हो, और ये उल्टा लिख दिया यहाँ, और 3 घंटे में आप 3 घंटे आपने समय लिया है, तो 5/3 किलोमीटर पर आर इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है कि नहीं बात? दोबारा से बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लिया और 3 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लिए, तो टोटल तो 5 चले यार और कितना समय लिया, 3 घंटे, दोनों को डिवाइड मारो, डेट विल बी योर आंसर।
क्लियर है? तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको ट्राई करें और कोई डाउट आए तो पूछें, ठीक है? मैं जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म कर आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाला हूँ, तो इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ें और अपनी प्रॉब्लम्स को साथ के साथ क्लियर करते चलें, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वनडे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।